फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि शेयर मार्केट में कितना पैसा निवेश करना चाहिए या निवेश करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, गैम्बलिंग है शेयर मार्केट। तो फ्रेंड्स, बात अगर जुए की हो तो किसी भी ह्यूमन लाइफ या किसी अन्य प्रजातियों का भी लाइफ एक जुए की तरह ही है। यहाँ तक कि जो फार्मर्स किसान होते हैं उनका खेती भी एक जुए की तरह है। बारिश होगा नहीं होगा, फसल सूख जाएगा, या अगर फसल पैदा भी हो गया, मार्केट में गया, कितना रुपया के बिकेगा, 2 रुपया किलो बिकेगा या 20 रुपए किलो बिकेगा, बिल्कुल जुए की तरह ही है। बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनमें स्टूडेंट भी होते हैं और कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं। स्टूडेंट के पास तो एक लिमिटेड अमाउंट होता है, बट जो प्रोफेशनल होते हैं उनको हर एक मंथ सैलरी मिलते रहता है। शेयर मार्केट का सफर शुरू करने से पहले आपको शेयर मार्केट का पहले ABCD समझना होगा कि व्हाट इज शेयर, व्हाट इज IPO, व्हाट इज NSE, BSE एंड लॉट्स ऑफ थिंग इन शेयर मार्केट, जो आपको उसका नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आंख मूंद के रोड पर चलोगे तो धक्का लगेगा ही ना, वो भी तो जुए की तरह हुआ ना। तो उसी तरह से शेयर मार्केट है, आंख मूंद के जाओगे किसी कंपनी में पैसा डालोगे तो भीतर चले जाओगे। मेरा कहने का मतलब है यार, जिस फील्ड में एंट्री करते हो आपको उस फील्ड का एक अच्छा नॉलेज होना होगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड YouTube पर बहुत सारे लॉट्स ऑफ वीडियो मिलेंगे, उसमें आपको अच्छा अच्छा लर्निंग, अच्छी अच्छी बातों सीखने को मिलेगी जो आपको इस कैरियर में एक हाई लेवल तक ले जा सकता है। फिर आप सोचोगे कि फेमटेस तुम तो दूसरों को सलाह दे रहे हो कि शेयर मार्केट इन्वेस्ट करो ये सब हो, बट क्या तुम बताओ, क्या तुम इन्वेस्ट करते हो? तो फ्रेंड्स, मैं अभी तक शेयर मार्केट के नॉलेज से रिलेटेड 1000 से भी ज्यादा वीडियो देख चुका हूं, एंड अभी तक मैं नया नया स्किल, नया नया चीजें को सीखने की कोशिश करता रहता हूं और मुझे इस फील्ड में 3 इयर्स होने वाले हैं। फिर आपके मन में यह सवाल आएगा कि फेमटेज अभी तक तुमने कितना कमाया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक इस फेमटेज के पीछे कौन सा बंदा वर्क कर रहा है मैंने अभी तक इसे रिवील नहीं किया है। इन द फ्यूचर हो सके तो मैं कभी ना कभी तो रिवील करूंगा ही, बट हाँ, शेयर मार्केट के थ्रू मैंने अभी तक एक 250cc का और बाइक एंड एडवांस फोन एंड बहुत सारे जो कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर के साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इथिकल हैकर भी बनने की प्रिपरेशन करता हूं, लगातार रिसर्च करता हूं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, गैजेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं सारा खुद के शेयर मार्केट के अर्निंग से ही करता हूं। फिर आप बोलोगे कि फेमटेज, क्या आप शेयर मार्केट के थ्रू इंडियन करेंसी में मिलीनियर बन चुके हो क्या? तो फ्रेंड्स, इस पर मेरा रिएक्शन होगा न्यूट्रल, दैट्स न्यूट्रल फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा सा इसमें बात करूं शेयर मार्केट में आपको कितना निवेश करना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको किसी अच्छा ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा। विदाउट डीमेट अकाउंट यू कांट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। डीमेट के थ्रू ही आप किसी शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जब किसी शेयर को खरीदते हैं तो वो डीमेट अकाउंट में आपका होल्डिंग लिस्ट में आ जाता है। एक मेरा ओपिनियन जो है, मेरे माइंड में एक कैलकुलेशन रहता है हर एक एज के प्रति शेयर मार्केट में उनका कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इनिशियली आप शेयर मार्केट में 5 से 10 हजार रुपया ही लगाओ, क्योंकि फ्रेंड्स, एक स्मॉल अमाउंट से आप शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज सीख पाएंगे जो कि आप ऐसे नहीं सीख सकते हो। एंड अगर आप प्रोफेशनल हो फिर भी आप करीब 20-50,000 तक ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो और सीखो कि कहां पर क्या चीज कैसे होता है, कैसे कंट्रोल होता है शेयर मार्केट का शेयर, कैसे उसमें बिट रेट होता है, कैसे उसको परचेज होता है, कैसे सेल होता है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग इन शेयर मार्केट, जिसको आपको सीखने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आप खुद वीडियो देखकर और शेयर मार्केट के एप्लीकेशन में सीख सकते हैं। कोई बड़ा अमाउंट नहीं डालना है कि 2 लाख 4 लाख पड़ा है शेयर मार्केट के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करो और डायरेक्ट बड़ा बड़ा कंपनी में लगा दो। तो फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग का 2 या 3 मंथ एक स्मॉल अमाउंट से ही खेलिए, जिससे आपको खुद में एक नॉलेज का इंप्रूवमेंट होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद आप लगाते रहिए आप जितना रखे हैं पैसा। अगर आपका एज 18 से 30 इयर्स के बीच में है, आपको शेयर मार्केट के इक्विटी में अप्रोक्स 70% फंड इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप सोचोगे कि इक्विटी क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इक्विटी एंड कमोडिटी शेयर मार्केट का 2 सेगमेंट, 2 टाइप होता है। जैसे कि इक्विटी में किसी कंपनी का शेयर बाय सेल करते हैं, एंड जो कमोडिटी होता है उसमें सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एंड लॉट्स ऑफ जो एंड बहुत सारे जो एलिमेंट होता है उसको खरीद बिक्री करते हैं। एंड रेस्ट ऑफ 20% फंड FD में, RD में एंड डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड रेस्ट 20% फंड क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अगर क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज नहीं है तो आप उसके रिगार्डिंग भी YouTube पर लॉट्स ऑफ वीडियो देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी थोड़ा रिस्की है, मैंने भी क्रिप्टो करेंसी में करीब 6 मंथ पहले पैर रखा एंड फरवरी में डोजी कॉइन लिया था एंड उसको मई में बेचा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फरवरी में उसका रेट चल रहा था और मई में। इलोन मस्क के
क्रेजी स्टेटमेंट के कारण डोजी कॉइन का रेट 20 टाइम्स बढ़ गया। आप सोच सकते हैं 3 रुपया से 60 रुपया होना कितना बड़ा बात होता है ओनली 3 to 4 मंथ में। अगर आप डोजी कॉइन में 1 लाख रुपया लगाते वो 3 ही महीना के अंदर 1 करोड़ बन जाता। तो आपको शेयर मार्केट के साथ साथ पैरेलल में क्रिप्टो करेंसी में भी नॉलेज लेना चाहिए, जिससे आपका एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से रियल ग्रोथ हो सके। एंड अगर आप 31 से 50 साल के बीच में हो तो आपको 60% फंड इक्विटी में निवेश करना चाहिए एंड 35% FD, RD, डेप्ट फंड एंड 5% रेस्ट ऑफ जो फंड बचेगा उसको क्रिप्टो करेंसी में डाल दीजिए। एंड अपने मन के अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये एक सटीक रियल कैलकुलेशन है एक सटीक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एंड 51 साल से ऊपर वाले पर्सन के लिए 30% इक्विटी, 65% FD, RD, डेप्ट फंड एंड 5% क्रिप्टो करेंसी। तो इस तरह से एक आप सेगमेंट बना सकते हैं कि मुझे इतना पैसा इसमें डालना है, इतना पैसा इसमें डालना है। आप अपना खुद का भी कैलकुलेशन जनरेट कर सकते हैं घर पर बैठकर। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं और बिना कोई रिसर्च, बिना कोई एडुकेशन के ही बहुत सारे पैसे लगा देते हैं और हो सकता है कि तुक्का मार के कुछ कंपनी में प्रॉफिट कमा भी लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म में उनका फ्यूचर एक कुएं का मेढक जैसा होता है, जैसे कि ना कोई फ्यूचर हो ना कोई भविष्य हो। जब कभी उनको एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है, जब वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, तो जिस तरह से मेढक के कुआं में रहता है बाढ़ के बाद ऊपर आता है ना, तो पता चलता है कि वाह इतना बड़ा दुनिया है, मैं तो कुएं को ही दुनिया समझ बैठा था। तो फ्रेंड्स उसी तरह से उनको रियल सच्चाई मालूम होता है शेयर मार्केट के बारे में कि यहाँ पर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है तुक्का मार मार कर। तो शेयर मार्केट में नॉलेज, रिसर्च और बहुत सारे स्किल्स होता है, जो कि कब सेल्स करना है, कब बाई करना है और भी छोटे छोटे स्मॉल फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मायने होता है। आपको इस वीडियो में कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन एक कॉमन सेंस जरूर आपके माइंड में प्रोड्यूस हो जाएगा कि किस तरह से थिंकिंग होना चाहिए शेयर मार्केट में जाने से पहले। ऊपर के ज्ञान से कुछ हासिल नहीं होने वाला है कि 2000 लगाकर 17000 रुपया बना दिया, चाहे 1000 लगाकर 5000 रुपया बना दिया। आपको उसकी गहराई को समझना होगा फ्रेंड्स। हमको नहीं मालूम कि आप इस वीडियो देखने के बाद कितना परसेंट सीखे हैं। जितना भी सीखे हैं आप, तो इस वीडियो के कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए एंड कुछ पूछना हो तो भी कमेंट में पूछ लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड फेमटेज को सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।